को बाय बाय कहते हुए और 2023 को खुली बाहों से स्वागत करते हुए हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास शो में। जो तुम्हारा है वो मेरा है, तुम्हारा है मेरा है, कैसे जो मेरा है वो मेरा है, जो वो मेरा है वो तो मेरा है ही, जो तुम्हारा है वो भी मेरा, वो भी मेरा है। ये तो गलत बात है, छीनना नहीं। एक फुल नोट ऊपर करो, एक फुल नोट ऊपर करो। बड़ी इज्जत से बेइज्जती हुई है, बेइज्जती। कहीं ना कहीं हमारी जरूरत का फायदा उठाया जाता है। पर अब्बा मैं तो मर गया हूँ, शदाई मुझे कर गया ओए। मतलब 2023 को ये कहना चाहते हैं, मैं तो आ गया हूँ लेकिन मुझे और चाहिए, yes. बरबर चाहिए। ये नए आर्टिस्ट तो हमारे लिए नहीं है लेकिन इस प्रोग्राम के लिए नए है। ये है शाहिद मालिया। नचदावे मेरा लौलिया। कितने फेमस आर्टिस्ट है ना, ये जड़ों से भी जुड़े हैं। क्या इन्हें भी लगा कि कोविड के ठीक बाद जो म्यूजिक इंडस्ट्री में नया आयाम आया है वो आगे जाके और भी उरूज पे पहुंचने वाला है, क्या लगता है इन्हें? तो चलिए सबसे पहले इनसे मुलाकात करवाते हैं। शाहिद मालिया, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया जी। तो आपको भी लगता है कि 2022 यानी राइट आफ्टर कोविड काफी कुछ बदलाव आया इंडस्ट्री में? म्यूजिक शिवा जी एक ऐसी चीज है कि उसके लिए आपको ज्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता। गाना बनाने के लिए आपको एक रूम चाहिए होता है जिसमें आप अपने स्पेस में बैठ के गाना बनाते हैं, और वही हुआ कोरोना में कि वो 2-2.5 साल के अंदर लोग अपने म्यूजिक रूम में बैठे रहे और शूटिंग बंद थी, तो एक म्यूजिक ही था जो सब जगह सर्कुलेट हो रहा था और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग सुन रहे थे गाने। तो मैंने भी बहुत सारे गाने किए इस दौरान और काफी गाने अच्छे भी लगे लोगों को। तो मतलब आप ही ये महसूस करते हैं कि डिजिटल इकोसिस्टम आया है जी, उसकी वजह से काफी बवाल आ गया। चलिए कॉलर जुड़ गया हमारे साथ। अच्छा जी, क्या बात? हाँ जी, हेलो। हेलो, यस, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, रजनी मैम। और कहाँ से बोल रही है वैसे? मुंबई से मैम, मुंबई चैम्बूर। हमारे साथ शाहिद मालिया आर्टिस्ट जुड़ गया है इस वक्त। सो मुझे ये आप बताएं कि इनसे क्या आप पूछना चाहती हैं? शाहिद मालिया, हाँ, गाने सुने हैं ना? हाँ मैम, उनका ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। ये जो है लंबी जुदाई मैम, बहुत मैम बहुत फेवरेट है मेरा। लंबी जुदाई, ये रेशमा जी का गाना है, ये कवर मैंने गाया था। आपने कवर वर्जन इसका किया था? कोशिश की थी बस। देखा, कितनी बड़ी फैन है आपकी। अरे देखो, मुझे पता ही नहीं था आपने इसका कवर बनाया, इनको पता है। बहुत बड़ी फैन है आप। हाँ मैम, बहुत, मेरे को ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप शायद जी आप इनसे पूछे कि क्यों अच्छा लगता है। हाँ रजनी जी, आपको गाना क्यों अच्छा लगता है? सर, अगर कोई बहुत मतलब किसी से भी बहुत ज्यादा इनका मतलब ये रहता है, सैड भी रहती हूँ तो मतलब बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। लगता है मुझे रजनी, जुदाई के जख्म ज्यादा आपको खाने पड़े हैं, है ना? हाँ मैम, मेरी जिंदगी में तो मैम तो बहुत सारे जुदाई और ये तो मतलब बहुत सारे आते रहते हैं ना। हाँ, तो बस सर के सॉन्ग है ना, तो बहुत सारे ऐसा रहता है कि सुन के बहुत सुकून सा मिलता है। यकीन ये तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत फेवरेट सॉन्ग है मेरा। हाँ, तो आप और कुछ कहना चाहती हैं कि डायरेक्टली इनसे ये गाना आप सुनना चाहती हैं? सर सुनाएंगे अभी? हाँ, वो सुनाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं उससे पहले कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए क्या है, बुरे वक्त की एक खासियत है कि वो भी खत्म हो जाता है। हाँ। तो आप आशा हाँ। बनाए रखें और इस गाने को पॉजिटिव मैनर में सुनिए। हाँ। और थोड़ा अभी मुझे जुकाम है, बट आई विल सिंग फॉर यू रजनी। बिछड़े अभी तो हम, बस कल परसों, जियूंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, चार दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई है लंबी जुदाई। वाह शाहिद जी, रजनी आपको पसंद आया ना? बहुत बहुत। आप तो रोने लग गई, क्या हो गया? जज्बाती हो जाती है छोटी छोटी बात पे। हाय,
खुश रहा करो, ये जुदाई वाला गाना मत सुना करो, इनका वो रब्बा मैं तो मर गया वो सुना करो। अलग अलग आते रहते हैं तो सब ये सब गाने जो रहते बहुत अच्छा लगता है। हाय हाय, लगता है जख्म खाया है। मैं तो उम्मीद करती हूँ 2022 में जो भी जख्म आपने खाए है ना 2023 में वो छुमंदर हो जाए। ठीक है, चलिए आप इन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश कर लीजिए। रजनी, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको। चलो थैंक्स फॉर कॉलिंग। देखिए आपके कितने फैंस हैं, कमाल करोड़ों फैंस। तो फैंस को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या आपको मैसेज मेल्स वगैरह आते हैं, आपने कुछ ऐसा रखा है या फिर बस सोशल साइट्स पे ही आप मेल्स का मैसेज का जवाब देते हैं? मैं मोस्टली सोशल साइट पे कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ और मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ। हाँ। कोशिश करता हूँ, सबको नहीं बट कुछ को मैं कर देता हूँ। तो पहले मुझे लगता है रबा मैं तो मर गया हो जाए, क्योंकि हम तो वैसे भी आपके गानों पे मरते हैं और आपकी इतनी अच्छी वर्सटाइल आवाज़ है, करोड़ों आपके फैंस हैं और हर बड़ा म्यूजिक कंपोजर आपको अपनी फिल्म में गंवाना चाहता है। हालांकि आपने अपनी इंडिपेंडेंटली जो आपने काम किया है, अलग अपनी एक जुदा सी पहचान बनाने की कोशिश की है, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं कि रबा मैं तो मर गया उसके बाद कुछ रेजोल्यूशंस पे भी बात करेंगे और आपके कुछ स्ट्रगल पीरियड और आपकी कुछ ना कुछ है बात। अच्छा। मतलब बातें हैं जो आपको इंडस्ट्री से है जो नहीं होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। जरूर जरूर। मौसम के आजाद परिंदे हाथों में है उसके, या वो बहारों सी है, हाय सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली फुहारों सी है, मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, जाने क्या क्या तो आंखों में मैं पढ़ गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। लवली शाहिद जी, इस गाने ने धूम मचाई थी। इनफैक्ट आपका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है जब आपने कहा है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ, और सिर्फ तान के आपने बोला है। आप डरते नहीं है किसी से, चाहे आपको फिल्म मिले ना मिले, गाना मिले ना मिले, कह दिया तो कह दिया मैंने। हाँ, तो ऐसा कुछ है, क्यों रहा है ऐसा बलाल? क्या ऐसा होता है सिंगर्स के साथ कि भाई आपसे कुछ ज्यादा ही स्क्रैच गवाए जाते हैं, फिर वो रखा नहीं जाता, आपसे गाना गवाया जाता है, फिर कहता है आपसे कहा जाता है नहीं, अब ये गाना दूसरे की आवाज़ में हम गवा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है आपका? स्ट्रगल तो बहुत देखी है आपने जब से आप राजस्थान से यहाँ आए हैं, पंजाब राजस्थान। तो क्या है शिवा कि स्क्रैचेस तक बात होती है तो हमें पता होता कि ये गाना मे बी चेंज हो सकता। हाँ, है पर प्रॉब्लम तब होती है जब फाइनल गवाने के बाद रिप्लेस हो वॉइस, तब कहीं ना कहीं लगता है कि जो मिलना चाहिए वो खसकता जा रहा आगे, तो उसके पीछे पीछे भागना पड़ा। लेकिन अभी मैं पीछे नहीं भागता, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, पहली बात तो कि मैं उस जगह पे गाऊँ ही नहीं जहाँ पे ऐसा चलन है, जहाँ पे रिप्लेस की जाती हैं वॉइसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत का फ़ायदा उठाया जाता है। और क्या आपने ये बात कही थी किसी म्यूजिक कंपोजर को? नहीं, मैं कहता नहीं किसी से, मतलब हमें पता नहीं होता है, दुखी तो इस लेवल का कि हम बता नहीं सकते। आज मैं बता सकता हूँ कि हम दुखी होते हैं, इट्स लाइक कि फिर रोए होंगे रात भर कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए आप शिवा सब पूछ लेंगे, सब बताना पड़ेगा मुझे। तो देखिए होते हैं ना हमारे, हम जब बुक मेंटेन करते थे, मतलब हम, मतलब मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं सिंगर हूँ, तो मैं म्यूजिक के पहले पेज पर लिखता था बिस्मिल्ला, उसके नीचे लिखता था म्यूजिक इज माय लाइफ, और अपनी लाइफ के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है तो वहाँ हार्ट ब्रेक होता है और रोना भी होता है। और जब आपको लगता है कि ये तो आपका ही था, उसके बाद भी कुछ छेड़छाड़ होती है, फिर सच में रोना होता है। और मैं सबके सामने खुल के नहीं बोलता था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी
मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, शायद मेरे काम में कुछ होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ऑलरेडी जो पाना था वो पा चुके हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा पा चुके हैं। देखिए मैं थोड़ा सा ग्रीडी टाइप हूँ इस मामले में। और चाहिए और चाहिए, मतलब 2023 को ये कहना चाहते हैं, मैं तो आ गया हूँ लेकिन मुझे और चाहिए, बस बस चाहिए। जो तुम्हारा है वो मेरा है, तुम्हारा है मेरा है, कैसे जो मेरा है वो मेरा है, तुम्हारा वो मेरा है, वो तो मेरा है ही, जो तुम्हारा है वो भी मेरा, वो भी मेरा है। ये तो गलत बात है, छीनना नहीं। आपका एक वजूद है, आपकी इतनी अच्छी बेहतरीन क्वालिटी है, सिंगिंग है आपके पास, वो स्टाइल सिंगर है आप, ऐसा नहीं है कि आप सीखे हुए नहीं है, आप सीखे हुए हैं और सीख कर ही इंडस्ट्री में आए। मैं तो अभी भी सीख रहा हूं शिबा, और सीखते रहता हूं। जोक से पार्ट, और ये दुनिया डेली सिखाती है। हाँ, डेली सिखाती है, तो दुनिया डेली सिखाती है। और जब कोई गाना आपने गाया, कभी इस मूड में गाया, वो गाना आप गाएंगे भी, इस मूड में गाया उस वक्त आपका दिल बड़ा टूटा हुआ था और वो गाना आपने गाया और ऐसे आपने गाया कि हिट हो गया, उस गाने की बात करें। वो गाना था टूट के, लेकिन आप गए थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हाँ, वो गाना था जब हेरी मेट सेजल का गाना है, शाहरुख साहब के लिए मैंने गाया था, मैं बनी तेरी राधा, मैंने और सुनिधि जी ने गाया वो गाना। तो उस वक्त पता नहीं कुछ गाने का रिजेक्शन का कुछ दिमाग में चल रहा था, और ये गाना बहुत हैप्पी, एकदम पैपी नंबर है, तो मुझे इस गाने गाने में कुछ 7 घंटे लगे थे। मैं ये सुनना चाह रहा था आपसे। क्यों दुखी हो गया? दुखी नहीं हुआ मैं। आपने कहा ना फिर दुखी हो गए थे आप। पहले हो गया था, फिर गाते गाते मैं थोड़ा लाइट मूड में आ गया। सुखी हो गए। ओके। काफी कुछ है आपके अंदर जो आप बताना चाहते हैं, किसी और दिन निकालेंगे। फिलहाल जो फ्लोरिश हुई है कोविड के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री, आपको लगता है कि ये सब पछाड़ देगी? हाँ, फिल्मों में तो सॉन्ग्स रहेंगे, बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक ये 2-3 सालों में इतना इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को वक्त मिला सोचने के लिए कि भी कुछ ऐसे गाने भी बनाए जाएं जो हमारे हिसाब से हो, गायकी के हिसाब से, आवाज़ के हिसाब से हो, और पोइट्री को ना छेड़ते हुए एज इट इज़ उसको तरीके से रखा जाए। क्योंकि बहुत सारी लिबर्टी हम लेते हैं फिल्म के चक्कर में, कई बार मीटर को कम कर देते हैं, मतलब 2 और 2 3 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, मतलब गणित अलग होता है फिल्मों का। लेकिन प्रॉपर एक म्यूजिक जिसमें हर चीज़ एक तरीके से पिरोई होती है, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक का ये ब्यूटीफुल थिंग है कि वो लोगों के दिलों को छूता, दिलों को, रूह को छूता है, रूह को छूता है। वेरी नाइस। अभी चूंकि जोरों शोर पकड़ रहा है आपका म्यूजिक और आपके गाने, खास तौर से अगर हम बात करें, कला नेटफ्लिक्स पर बहुत अच्छे से जा रहा है, अमित त्रिवेदी के साथ आपका कोलैबोरेशन, और कैसे देख पाते हैं अब आप इसको, क्योंकि अब सीरीज भी बहुत बन रही है, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का म्यूजिक अब वेब सीरीज में भी आ रहा है, जो फिल्में बन रही OTT प्लेटफॉर्म पे उस पे भी आ रहा है, मतलब इतने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अब आ गए हैं आर्टिस्ट के लिए, उसको हर जगह मौका ही मौका मौका मिल रहा है, अब वो फिल्मों के पीछे नहीं भाग रहा है, अब फिल्में इनफैक्ट उसको ढूंढती हुई नजर आएंगी आगे जाके। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कला? फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं आज के दौर में कि किसी कंपनी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर टैलेंट है उसको बाहर लाइए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। खैर, कला जो है एक बहुत ही अच्छी म्यूजिकल फिल्म है, और लकीली मैंने सारे गाने गाए इस फिल्म। क्या बात है, तो उसके अच्छा लगता है। चलो, अब तो मौका मिला है नेटफ्लिक्स के जरिए ही कोई फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है और सारे गाने हम ही गा रहे हैं, फिल्मों में ऐसा मौका नहीं मिलता। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू अमित त्रिवेदी, अनविता। हाँ, तो चले हो जाए उसका। तो उसके 4 गाने हैं, एक है निर्भो निर्वैर, एक है शौक, एक है रुबाइयाँ, और एक है उड़ जाएगा। शौक एक गाना जिसे वरुण ग्रोवर ने लिखा है, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट है।
बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। हाय बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा जरा। वाह क्या खूबसूरत है, बिल्कुल अंदाज अलग है, बिल्कुल कितने वर्सटाइल सिंगर हैं आप। हमें बहुत फख्र महसूस होता है कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को आप जैसे सिंगर नसीब हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुमे आने के लिए, और आपके फैंस की कमी नहीं है। हम चाहते हैं नया साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा कुछ लेकर आए, और जो आपकी उम्मीदें हैं उन पर आप भी खरे उतर पाए और लोग भी खरे उतर पाए। आपको कभी भी नजरअंदाज ना किया जाए, वही हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेल थैंक्स अ लॉट। थैंक यू न्यूज़ 18, थैंक यू शिबा। हैप्पी न्यू ईयर।